नेपोटिज्म एक ऐसा वर्ड जिसकी 3-4 साल से बहुत चर्चा है। अगर इंडस्ट्री के तौर पर इसकी डेफिनेशन दे तो एक ऐसे स्टार किड्स जिसके पास विरासत में एक्टिंग टैलेंट तो नहीं आया, लेकिन उनके पास आज भी फिल्मों के रूप में रोजगार कम नहीं है। लिटरली पब्लिक के ऊपर विदाउट टैलेंट भी इनको थोपा जा रहा है। लेकिन रणबीर कपूर फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े खानदान कपूर खानदान का बेटा, जिनके ऊपर ये टैग बिल्कुल सूट नहीं करता। बंदे की एक्टिंग इतनी नेक्स्ट लेवल की है, वो चाहे रॉकस्टार में एक सिंगर के तौर पर गले की नसें बाहर आ जाए उस तरीके से गाकर पब्लिक को ये कन्विंस कर देना कि वो खुद गा रहे हैं, या फिर बर्फी में एक लीड एक्टर के तौर पर भी गूंगे बहरे का रोल करके उस मूवी को ब्लॉकबस्टर बना देना, बंदे की एक्टिंग का कोई मुकाबला नहीं है। वही रणबीर कपूर आ रहे हैं अपनी नेक्स्ट मूवी एनिमल के साथ, जिसका टीजर अभी अभी रिवील हुआ है। एवरीवन वेलकम टू द फिल्म बीबी, मैं विक्ता जानी। सो एनिमल का जब फर्स्ट पोस्टर रिवील हुआ था तब इसके ऊपर इसकी रिलीज डेट लिखी गई थी 11 अगस्त, मतलब कि ये गदर 2 और ओएमजी 2 के साथ क्लैश करने वाली थी, लेकिन फिर इसको वीएफएक्स के नाम पर पोस्टपोन कर दिया गया। वैसे अच्छा ही हुआ कि ये मूवी पोस्टपोन हो गई, क्योंकि गदर 2 की आंधी ऐसी थी जिसके आगे ये मूवी का कंटेंट अच्छा होते हुए भी कहीं ना कहीं इस तूफान के आगे ये दब जाती। लेकिन पर्सनली अगर मुझे पूछे तो मैंने तो इसका फर्स्ट लुक देख के डिसाइड कर लिया था कि मैं तो एनिमल ही देखूंगी। लेकिन अब जिस तरीके से एनिमल का टीजर आया है और उसमें जिस तरीके से आरके दिख रहे, सवाल यही उठता है कि इस बंदे ने इस टाइप की मूवी अब तक क्यों नहीं की। टीजर की शुरुआत ही होती है रश्मिका मंदाना और रणबीर कपूर के शॉट से, जहां रश्मिका मंदाना ये पूछते हुए नजर आती है कि क्या तुम पिता बनना चाहोगे, और रणबीर कहते हैं यस क्यों नहीं। फिर रश्मिका ये कहती हुई नजर आती है कि तुम अपने पिता जैसे पिता मत बनना, और अचानक से कहानी में ट्विस्ट आता है, अनिल कपूर अपने बेटे रणबीर कपूर को चाटे पे चाटे मारते हैं एक टिपिकल इंडियन फादर की तरह। ये देख के लिटरली ये लगता है कि ये मूवी बाप बेटे के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन पर बेस होगी, जहां रणबीर कपूर बेटे के रोल में हर हाल में अपने पिता के आगे अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं और उनको प्राउड फील कराना चाहते हैं। लेकिन टीजर के एक सीन ने कंफ्यूजन में डाल दिया सबको, जहां आरके खून में लथपथ जमीन पे पड़े हैं, उनके हाथ में गन है। ये सीन काफी सारे सवाल, एक्साइटमेंट और साथ ही साथ बहुत सारा कंफ्यूजन छोड़ के जाता है। लेकिन टीजर का तो काम ही यही है, पब्लिक को बहुत सारे कंफ्यूजन, सवाल और एक्साइटमेंट के साथ में छोड़ देना। लेकिन रणबीर कपूर की एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी, वो चाहे रॉकस्टार में मिडिल क्लास फैमिली के बेटे का रोल करना हो या फिर एनिमल में एक जबरदस्त रईस खानदान के बेटे का रोल करना हो, बंदा हर कैरेक्टर में फिट हो जाता है। सो रणबीर आर्मी तैयार हो जाइए 1 दिसंबर को एनिमल को थिएटर्स में देखने के लिए। एनिमल का टीजर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।